मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास फोर्थ का आपका स्वागत है और मैं आज लेसन थर्ड पढ़ाऊंगी क्योंकि अब अपने सेकेंड लेसन में पढ़ा था कि क्या नाम था उसका, अभिषी की एक छोटा बेबी ब्रदर हुआ था और वो उसने उसकी देखभाल कैसे की, कैसे उसने मम्मा की अपनी हेल्प की, वो सब हमने पढ़ा था। अब इसमें आगे पढ़ेंगे अबाउट बेबीज की, बेबीज के बारे में हम और आगे पढ़ेंगे कि हाउ बेबीज आर बोर्न, कि बेबीज कैसे पैदा होते हैं। तो हम ये आगे पढ़ते हैं। अभिषी लव्स प्लेइंग विद हर लिटिल ब्रदर। अभिषी अपने छोटे से भाई को बहुत प्यार करती थी। शी एनली वेट फॉर द स्कूल टू गेट ओवर सो दैट शी कैन कम होम एंड कैंडल हर ब्रदर। ही इज सो एडोरेबल, हाउ टिनी हिज हैंड एंड फिट आर, हाउ ही स्माइल इवन व्हेन ही इज असलिंग। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती थी, मतलब घर स्कूल में भी वो इतने वो रहती थी कि जल्दी से वो घर जाए और अपने भाई के साथ खेले। और वो देखती थी इसके कितने छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं, वो कैसे स्माइल करता है, वो कैसे क्या करता है, वो सब उसको देख देख के उसको बहुत इंजॉय करती थी। वेयर हैज द लिटिल बेबी कम फ्रॉम, अभिषेक अपनी मम्मा से पूछती है कि छोटा सा बेबी कहाँ से आता है। तो उसकी मदर एक्सप्लेन करती है, मदर एक्सप्लेन टू हर दैट ऑल लिविंग बीइंग्स गिव बर्थ टू यंग वंस, कि हर जो लिविंग बर्थ होते हैं ना, जो लिविंग व्यक्ति पर्सन, जैसे जो सजीव लोग होते हैं, जीते जाते लोग, वो पैदा होते हैं अपने, उनके यंग वंस पैदा होते हैं। जैसे इंसान हो या एनिमल्स हो, कोई भी हो, उनके यंग वंस पैदा होते हैं, मतलब जन्म ही होते हैं। तो ह्यूमंस बेबीज ग्रो इनसाइड देयर मदर होम फॉर अबाउट 9 मंथ्स। ऐसे ह्यूमन बेबीज क्या होते हैं कि मम्मा के अंदर होते हैं शरीर में, तो और वो 9 मंथ तक वहीं पलते बढ़ते हैं और उसके बाद वो 9 मंथ के आफ्टर वो बेबी जन्म लेता है। इसी तरीके से एनिमल्स के भी होता है, अलग अलग टाइमिंग और प्रोसेसिंग होती है, बस खाली टाइम अलग अलग होता है। इसी तरीके से द प्रोसेस ऑफ बायर विच ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस देयर ओन हैबिट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। और इसी तरीके से ह्यूमन बींग्स के और भी बहुत सारी अलग अलग होती है, जैसे किसी के 9 मंथ में हो जाता है, किसी के उससे पहले भी हो सकता है, अदरवाइज 9 मंथ का बेबीज ही होता है तो वो जन्म लेता है 9 मंथ के आफ्टर। इसी तरीके से एनिमल्स के होते हैं, उनके अलग अलग टाइम होता है, उनके भी अब प्रोडक्शन का, तो वो क्या कराता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब इसके आगे रिप्रोडक्शन करेंगे हम एनिमल्स के अंदर। लाइक ह्यूमंस अदर एनिमल ऑल्सो प्रोड्यूस देयर लिटिल वंस। इसी तरीके से जैसे व्यक्ति अपने बच्चों को जन्म देता है, उसी तरीके से एनिमल भी प्रोड्यूस करते हैं अपने यंग बच्चों को। एनिमल रिप्रोड्यूस इन टू वेज, दो तरीके से करते हैं, बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज और बाय लेइंग एग्स। वो दो तरीके से उनके बच्चे पैदा होते हैं, एक तो वो पैदा करते हैं एक बेबीज, जैसे एक छोटा बेबी पैदा होता है, इसी तरीके से एनिमल बेबी भी पैदा होता है। और एक दूसरा तरीका होता है लेइंग एग्स, कि वो अंडे देते हैं और अंडे के अंदर से उनका बेबी निकलता है, फ्रॉम विच बेबीज हैच आउट, अंडे के अंदर से वो बच्चा निकलता है। सम एनिमल गिव बर्थ टू यंगल्स, जो एनिमल है जो बच्चे को जन्म देते हैं उन एनिमल के बारे में हम पढ़ेंगे। एनिमल्स सच एज काउ, डॉग, रैबिट, लायन, टाइगर, जिराफ गिव बर्थ टू यंगल्स। जैसे एनिमल्स होते हैं, ये डॉग है, ये काउ है, गाय है, खरगोश है, शेर है, ये सब क्या करते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, बर्थ करते हैं। दीज एनिमल आर कॉल्ड मैमल्स, ये क्या कहलाते हैं, मैमल्स कहलाते हैं। जो बच्चों को पैदा करते हैं वो जानवर मैमल्स के नाम से जाने जाते हैं। व्हेन दे आर बॉर्न मैमल्स ड्रिंक ओनली देयर मदर्स मिल्क, और जो मैमल्स के बच्चे जो पैदा होते हैं वो सिर्फ माँ का दूध ही पीते हैं। दिस राइट ऑन मदर्स मिल्क टिल दे बिकम स्ट्रॉन्ग एंड एक्ट एबल टू ईट और ड्रिंक अदर फूड आइटम, और जब तक वो इतने मजबूत नहीं हो जाते ना, बड़े नहीं हो जाते, तब तक वो मम्मी का दूध ही पीते हैं। जैसे छोटे बेबी होते हैं वो भी तो बच्चे मम्मी के दूध पीते हैं ना, ह्यूमंस में भी, इसी तरीके से एनिमल्स में भी, जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं उनके, तो वो अपनी मदर का दूध ही पीते हैं और उसी से वो बड़े होते हैं, उसके बाद वो दूसरे फूड खाने के लायक होते हैं। जैसे अब ह्यूमन बेबीज होता है, वो क्या है, 6 महीने तक माँ का दूध ही पीता है, 6 महीने के बाद उसको कुछ खाने पीने के लिए देते हैं। इसी तरीके से जानवरों के भी एनिमल्स होते हैं, वो अपनी मदर का दूध पी पर ही बड़े होते हैं और धीरे धीरे वो दूसरी फूड भी खाने लगते हैं। मदर्स मिल्क प्रोटेक्ट देम
मेक देम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। और मदर दूध उनको क्या बनाता है, एक तो प्रोटेक्ट करता है, उनकी बीमारियों से रक्षा करता है और इन्फेक्शन वगैरह उससे उनको बचाव करता है और हेल्दी बनाता है बच्चे को। आगे आप पढ़ रहे हैं, सब एनिमल प्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, और कुछ एनिमल वो जो अंडा अंडे देते हैं। सब एनिमल सच एज फिश, इंसेक्ट, क्रॉप, बर्ड्स ले एग्स। जैसे कुछ एनिमल्स हैं, जैसे फिश है, इंसेक्ट है, कीड़े मकोड़े हैं, फ्रॉग है, मेंढक, वो क्या करते हैं, बर्ड्स, पक्षी, वो सब क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो उसमें से उनके यंगल्स निकलते हैं, मतलब बच्चे निकलते हैं एग में से। दे मदर टेक केयर ऑफ द बेबीज, और उसकी मदर उनकी देखभाल करती है और उन्हें स्ट्रांग बनाती है, उन्हें खाना ला के देती है, दाना चुगाती है। जब देखा नहीं आपने पेड़ पौधों में जब पक्षियों की घोंसले बने होते हैं तो उसमें देखा है ना, छोटा सा बच्चा होता है चिड़िया का, तो चिड़िया उसके लिए दाना लेके आती है, फिर उसके मुंह में डालती है। वो उसकी मदर होती है, वो अपने बच्चे को खाना खिलाती है, जब तक वो मजबूत नहीं हो जाता, उड़ने लायक नहीं हो जाता, तब तक उसकी देखभाल करती है। एनिमल बिल्ड स्पेशल प्लेस टू ले एग्स, कुछ एनिमल्स होते हैं जो कोई स्पेशल जगह पर ही एग देते हैं, जैसे वैसे वैसे वो अपने घोंसलों में एग देते हैं, पर कुछ ऐसी अलग अलग जगह होती है जहाँ पे वो एग अंडे देते हैं। जैसे बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले देयर एग्स, जैसे पक्षी होते हैं वो अंडे देते हैं अपने घोंसले में। दे प्रोटेक्ट द एग फ्रॉम अदर एनिमल्स, वो दूसरे एनिमल्स से अपने अंडों की रक्षा करते हैं। फ्रॉम ले देयर एग्स इन वॉटर, कुछ फ्रॉग किसमें देते हैं अंडे, पानी के अंदर देते हैं, उनका उनकी हैबिट्स होती है कि वो पानी के अंदर ही अपने अंडे देते हैं। वेन द एग्स हैच स्मॉल टैडपोल कम आउट विच ग्रो इनटू वर्म, और वो छोटे छोटे टैडपोल में चेंज हो जाते हैं। जैसे छोटे छोटे अंडे होते हैं, फिर अंडे धीरे 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 बड़े होते हैं, उसमें विकास होता है, उसको टैडपोल बन जाते हैं, फिर टैडपोल से वो फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से मेंढक के अंडे बढ़ते हैं और वो एक बच्चे में रूप ले लेते हैं। फास्टर केयर एंड अडॉप्शन, अब जल्दी से उनकी केयर होने वाली, और अडॉप्शन मतलब गोद लेने की प्रक्रिया। मीट तायरा, हर पेरेंट्स डेड इन एन एक्सीडेंट व्हेन शी वाज वेरी यंग, जब वो बहुत छोटी थी उसके पेरेंट्स किसी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है उनकी। शी डिड नॉट हैव एनी रिलेटिव्स टू टेक केयर फॉर हर, उसका कोई रिलेटिव भी नहीं था उसकी टेक केयर करने के लिए, देखभाल के लिए। शी ग्रू अप इन ए होम वेयर चिल्ड्रन लाइक हर हु डिड नॉट हैव ए फैमिली लिव सच ए होम इज कॉल्ड एन ऑर्फनेज, मतलब ना वो अनाथ आश्रम में रहती है क्योंकि उसकी कोई रिलेटिव भी नहीं है, कोई भी नहीं है उसकी देखभाल करने के लिए बच्चों की। तो एक बच्चों की देखभाल करने वाली संस्था होती है जिसे अनाथ आश्रम कहा जाता है, तो वो बच्ची वहाँ रहती है। वन डे मिस्टर एंड मिसेस बाथुर विजिटेड द ऑर्फनेज, दे मीट टायरा देयर्स, तो एक दिन उसके मिस्टर बाथुर और मिसेस बाथुर वहाँ पे अनाथ आश्रम में आते हैं और उसको देखते हैं। तो लेटर दे टुक परमिशन फ्रॉम द कोर्ट एंड बॉट टायरा टू देयर होम, और वह कोर्ट की परमिशन के द्वारा उसको लीगल कार्यवाही करके उसको गोद ले लेते हैं और उसे अपने साथ घर लेके जाते हैं। और इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड अडॉप्शन, इस प्रक्रिया को अडॉप्शन बोला जाता है कि गोद लिया हुआ बच्चा या अपने किसी कानूनी कार्रवाई करके गोद लिया गया बच्चा। नाउ टायरा लिव विद मिस्टर एंड मिसेस माथुर हू आर हर पेरेंट्स, अब उसके पेरेंट्स कौन बन गए, मिस्टर मिसेस माथुर उसके पेरेंट्स बन गए हैं। दे लव हर वेरी मच, वो उसे बहुत प्यार करते हैं, टायरा उसे लव हर न्यू होम, वो अपने नए घर को बहुत चाहती है, बहुत प्यार करती है और अपने पेरेंट्स को भी बहुत चाहती है क्योंकि उसको वो सब चीजें मिली है, तो वो बहुत हैप्पी हो गई है उन सबके साथ में क्योंकि उसके पास ये सब नहीं था ना, उसे बहुत अच्छा लगा ये सब उसको मिला है, तो उसके उसके साथ में बहुत इंजॉय कर रही है और रह रही है अपने पेरेंट्स के साथ। सम चिल्ड्रन लव्स देयर पेरेंट्स और आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स व्हेन दे आर वेरी यंग, दिस मे हैपन ड्यू टू एक्सीडेंट और नेचुरल क्लाइमेटिस सच एज फ्लड एर्थक्वेक, दिस चिल्ड्रन ग्रो अप इन स्पेशल होम रन बाय सम ऑर्गेनाइजेशंस, दिस इज कॉल्ड फॉस्टर केयर, एट टाइम्स पीपल कीप ए चाइल्ड इन देयर होम फॉर सम टाइम टिल ही और शी इज ग्रोन अप विदाउट लीगली बिकम हिज और हर पेरेंट्स, दे आर कॉल्ड फॉस्टर पेरेंट्स, तो ये क्या कहलाते हैं, फॉस्टर पेरेंट्स। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको केयर की आवश्यकता होती है पर उनके माता पिता नहीं होते, किसी एक्सीडेंट में या किसी में मर जाते हैं और फिर वो
बच्चे किसी संस्थाओं में रहते हैं और वहाँ से लीगल कार्रवाई करके कोर्ट के द्वारा बच्चों को गोद लेके वो अपने घर में ले आते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? फॉस्टर पेरेंट्स कहलाते हैं। यही सब था आपकी बुक्स में अभी हमने यही सब पढ़ा। क्या पढ़ा हमने? हाउ बेबीज आर बॉर्न, कि बेबीज कैसे पैदा होते हैं, फिर रिप्रोडक्शन एनिमल्स में कैसे होता है, फिर कुछ एनिमल्स कैसे अपने एनिमल्स को जन्म देते हैं और कैसे वो अंडे देने वाले एनिमल्स अलग होते हैं और बर्थ देने वाले अलग होते हैं। अब हमने ये सब तो पढ़ लिया है और इसको आप समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देख सकते हो और समझ सकते हो। और इसके अलावा भी आपको यदि और समझ नहीं आता है तो आप सैटरडे को आकर इस लेसन के बारे में समझ सकते हो और अपनी नोटबुक लाकर चेक करवाइए, क्योंकि कोई भी नोटबुक चेक कराने नहीं आ रहा है तो आपको नोटबुक चेक कराने आना है। और ये पता तो चले हमें कि आप पढ़ाई भी कर रहे हो।